नमस्कार, प्राणवेश 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर अमरोहा से है। खाने को लेकर हुआ विवाद, ठेला स्वामी पर किया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि यूपी के जिला अमरोहा के थाना हसनपुर कस्बे के खहमान मोहल्ले के रहने वाले कुलदीप पुत्र विजय ग्राम करण खाल में खाने का ठेला लगा रहे थे। तभी थाना हसनपुर क्षेत्र के ग्राम लुहारी खादर के कुछ लोग अशोक तेजपाल, मुकेश महेश पुत्र भोजराम खाना लेने के लिए आए। तभी खाने को लेकर कुलदीप पुत्र विजय के साथ लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। मोहल्ले वालों ने घायल कुलदीप को बमुश्किल से बचाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल कुलदीप को सीएससी में भर्ती कराया। सीएससी डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। रिपोर्ट उदय सिंह, प्राइम न्यूज 24। हम हसनपुर मोहल्ला खेवान के रहने वाले हैं जी। करणखाल गांव में हम ठेला लगाते हैं, तो वहां पर हमने छोले भटूरे नान रोटी का ठेला लगा रखा है। तो ये लड़के हमारे पास रोटी लेने आए थे और रोटी लेके चले गए। फिर रोटी वापस करना है, वापस कर ली, कैसे वापस दे दिए। फिर चार पांच लड़के एक साथ आने के बाद में इन्होंने गाली की वो चली चार चट्टे ये उल्टा सीधा बखाना और फिर मार फेरी और भाग गए। और सर में दहा दहा रहा से चोट मारी, तो तीन जनों को चोट लगी है। करण खाल के दो हसनपुर मोहल्ला खेवान के। और जानते हो हमलावर कौन है? हाँ वो जानते हैं हम, लुहारी खादर गांव के हैं वो। नाम जानते हैं उनके? हाँ नाम है उनके, लिखे हुए हैं कागज पर लिख लिए। और कई सारे लड़के थे ना उनके, हम वैसे नहीं जानते, लेकिन गांव वालों ने बताया तब उनको पता चले नाम। आपका नाम क्या है? जी संजीव नाम है मेरा, हसनपुर मोहल्ला खेवान के रहने वाला। जिनके चोट लगी है क्या नाम है? मेरा भाई है कुलदीप छोटा। दूसरा भाई कौन है? उसका छोटा भाई है, उसका किसान पाल, उसके भी चोट लगी है बाँव में। और इसके भी दो जगह हड्डी बाँव टूटी और एक सर में चोट है बहुत।